हेलो व्यूवर्स, नमस्ते सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। ये मेरा वीडियो आज का ब्लॉग है, वीडियो है जो कि हम कोलोरियन विजिट करने जा रहा था अपना सिस्टर और ये ब्रदर इन लॉ को, क्योंकि वो लोग वहाँ पे रह गया, सेटल हो गया। तो उन लोगों को हम लोग वेकेशन, मेरे थोड़े से वेकेशन के दौरान हस्बैंड हम दोनों मिलने गया। तो ये वही है, वही वीडियो है, पहला दिन जब हम लोग जर्नी जा रहा था यहाँ से। अभी हम लोग निकल गया घर से, घर से निकला हम लोग लगभग सुबह के 8 बजे, 8 बजे निकल के यहाँ से। अभी हम लोग निकलते निकलते हस्बैंड और हम सिर्फ था, तो हस्बैंड का दोस्त को हम लोग पिक करने आया यहाँ पे, जिसका नाम है जोसेफ काके, सर भी बोल लेती हूँ। तो उन्होंने हम लोग यहाँ पर पिक करने के दौरान थोड़ा लेट हो रहा था, तो वेटिंग कर रहा था, हम दोनों रुक रहा था। उसी दौरान हमको मिला एक, यहाँ में भैया भी आएगा, उससे पहले अपना आपको खींच लिया, थोड़ा खुद को भी दिखाना है, और फिर हस्बैंड को। हस्बैंड भी अपना चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहा था, जो कि उनका चैनल का नाम है तोरम्स जर्नल, फिर से तोरम्स जर्नल। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देगा, आप लोग जाके प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हस्बैंड हम दोनों यहाँ में थोड़ा गप्पे शप्पे लड़ाए, ब्रोकली दे दो ना, जो कि सुबह सुबह केजी कैसे कर रहे हैं आप, स्कूटी में सब्जियाँ लेके बेच रहे थे, 50 तो बेच रहा था। तो उसी दौरान हमको भी चाहिए था कोलोरियन ले जाने के लिए, हम खरीद के अभी सुनने में आया कि कोलोरियन तक ले जाएगा, इसलिए बोल रहे ऑफ रोड जगह है, अपने लिए भी नहीं। अब बता से प्लीज काइंडली सीट इन बैक, तो उसका कारण से हम उल्टी कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, देखो हां ज्यादा दम नहीं लगेगा, प्राइस थोड़ा हाई है बोला। तो ऐसे हम लेने के लिए क्या नहीं, तो एक यहाँ से ब्रोकली लिया 1 kg, जो कि पड़ा था 60 rupees का शायद। तो उसे लेने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू किया अपना जर्नी, यहाँ से कंटिन्यू करके हम लोग पहुँचा तेल डिपो, हिम नाम का तेल डिपो था जो यामाहा डीलर के सामने है नाहरलगन। यहाँ से हम लोगों ने तेल बढ़ाया, तेल बढ़ा के थोड़ा हल्का किया अपना बाथरूम वगैरह जाके, इसके बाद थोड़ा से हस्बैंड एक बार ऐसा कर दो नाम को, थोड़ा से प्यार मोहब्बत जाते जाते झलकाया इसके बाद गंदा तो दिया भी गए। अब तो सर दोस्त को किसी अभी कर दो ना एक बार ऐसा प्लीज, इससे भी थोड़ा मांगा प्यार दे दो, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे वो दोस्त ने ले दिया, उसने खींच दिया, हम साइड में पीछे में सर चकरा के उल्टिया पे उल्टिया करके हम जा रहा था जाते थे। बहुत सुंदर सुंदर ये घर वगैरह हमको, इसको तो मैंने खींचा वीडियो को, बहुत सुंदर डोईमुख एरिया में मिला, फिर ये नदी मिला, बहुत सुंदर है नदी है ना, लेक है पता नहीं, हम तो पहली बार देखा है बहुत सुंदर लगा, इसमें थोड़ा फ्रेश था। इसके बाद थोड़ा सा हम लोगों ने एंजॉयमेंट किया, थोड़ा आगे पीछे दोनों को, पीछे में सर जी चाय पी रहे हैं, जो कि सुबह मैंने बनाया था हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बनाया था, मेरे को तो पीने नहीं मिला। ये ना मेरे जाने मन, जो सब अब ऐसा कर दो, ऐसा करो ना, ये आपको बोला है नहीं, ये साइड से क्यों कर रहे हैं, बचपन का प्यार तेरा भूल नहीं जाना ऐसा मेरा प्यार है। यहाँ से फिर कंटिन्यू करके जगह बहुत सुंदर लग रहा था, तो हम भी थोड़ा से अपने थोपरा लेके हम भी आ गया सुंदर सुंदर, और जो ये चश्मा पहन रहे हैं इसको मेरे बड़े भैया यानी हस्बैंड का बड़ा भैया ने एज अ गिफ्ट दिया, तो मैंने पहन के पूरा झंडी इसको पहना, उल्टी करते वक्त भी मैंने पहना। इसके बाद यहाँ से फिर हम लोग डोईमुख से गया, हमको इतना एरिया पता नहीं क्योंकि ईटानगर में रहता तो है, बट हम भी इधर उधर ज़्यादा नहीं घूमते, तो इतना पता नहीं था, लेकिन लॉन्ग जर्नी गया तो बहुत चीज़ देखने को मिला। तो अगर कुछ नाम भी गलती बोले, जगह का नाम गलती बोले, तो
काइंडली कमेंट में करेक्शन कर देना अगर कोई मेरा व्यूवर्स है तो आसपास का जानने वाला। जाते जाते फिर पहुंचा होज, या होज में हम लोग थोड़ा देरी रुका ताकि नाश्ता कर पाए ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ में ये सामने वाला होटल में जहाँ मैं जोसेफ सर घुस रहा था उसमें घुसा तो मालिक नहीं था, दुकान ओपन था लेकिन मालिक बाथरूम में था। तो इसके बाद हम दोनों डिस्कशन किया कहाँ जाएगा कहाँ नहीं खाएगा। इसके बाद बहुत देरी के बाद भी अच्छा जगह नहीं मिला जहाँ में वॉशरूम साथ में है, वो वाला पीट पात वाला नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली आपको कुछ खाना है तो फिर खा के छोड़ना भी तो होगा। इसके बाद हम लोग नीचे जा रहा था, जोसेफ सर को मिल गया था, उसी दौरान मैंने देखा तो ये हैंडसम बॉय ये भी ब्लॉगिंग कर रहा था, तो मेरा कैमरा से नहीं हट पाया। आप हमको खींच रहे, आपको खींच रहे ना उसके पीछे पीछे पागल प्रेमी की तरह। हम लोगों ने नाश्ता करने के बाद फिर डायरेक्ट निकल गए। मेरा वीडियो पूरा हम नहीं डाला था क्योंकि कोई कोई जगह को बहुत लैंडी हो जाना था, इसलिए घुस गया क्या ये कोई एरिया था पालिन जगह को नहीं, पालिन नहीं क्रॉस करने। उसी दौरान ये भी हम भी किया, ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हुआ। सुंदर सुंदर जगह है क्यारा वाला, इतनी कर रहा आप लोग के लिए क्यूट क्यूट वाला। ये जो है ये संग्राम पहुंचने के बाद जहाँ पर इन दो बंदरों को मिला उनका तीसरा दोस्त जो कि यहाँ पे टीचर है जिनका नाम जुम्ब नुंगनू है शायद, तो यहाँ पे वो संग्राम में टीचर है। तो हम लोग इसमें भी रुक गया थोड़ा उनको दोनों मिलने के लिए, दोनों थोड़ी थोड़ा देरी के लिए 5-10 मिनट के तीनों ने गप्पे शप्पे लड़ाए, नाश्ता किया, फिर से नाश्ता मतलब लंच किया। इसके बाद हम लोग गया जुम्बी सर के क्वार्टर का, टीचर क्वार्टर का, उसमें संग्राम का ये है उनका क्वार्टर, और नीचे ग्राउंड में स्कूल है जहाँ पे बच्चे लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे थे। तो व्यूज़ बहुत सुंदर था, तो मैंने थोड़ा सा उठा लिया इसे भी यहाँ से वहाँ से उठा लिया, देखिए ना व्यू संग्राम का व्यू बहुत सुंदर, काफ़ी सुंदर है। इसके बाद फिर हम लोग ने कंटिन्यू किया अपना रास्ता जर्नी, जाके जर्नी जाते जाते रास्ता और भयंकर होते गया। ये भयंकर रास्ता में मेरा भी भयंकर हालत होते गया, देखिए ना नीचे देखो तो चक्कर आ रहा है, ऊपर देखो तो चक्कर आ रहा है। जब जब होश में था तब तब वीडियो लिया मैंने खुद से, जब जब होश में नहीं था उसमें उल्टी किया मैंने। इसके फाइनली हम लोग पहुँच गया कोलोरियांग, कोलोरियांग टाउन में पहुंच गई जहाँ मैं थी आमा को मिला, जहाँ मेरा हस्बैंड शौक हो गया कि आमा ऐसे। इसके बाद आमा आगे स्कूटी में जो आगे जा रहा है उसके पीछे पीछे हम लोग तीनों घर की ओर निकल के बहुत एक्साइटेड हो गया था, हम लोग पहुंच ही गया था क्योंकि कोलोरियांग टाउन बहुत अच्छा रहा है, अच्छा है। रात को पहुँचा इसलिए हम कंडीशन में भी नहीं था इसलिए मैंने नहीं उठा। मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट वीडियो डे 1 डे 2 वीडियो में आपको कोलोरियांग का टाउन कोलोरियांग पूरा देखने मिलेगा मार्केट, क्योंकि दिन को खींचेगा हम। तो वीडियो को इसको भी पूरा देखिए, इसके बाद नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू वाला को भी पूरा देखिए, तभी आपको भी पता चलेगा जो कोलोरियांग का नहीं है मेरे वीडियो के द्वारा कोलोरियांग को देखने को मिलेगा, और जो कोलोरियांग का है उन लोगों को मैं बता दूँ आपका कोलोरियांग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, और खास करके बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन एरिया है। हमको फर्स्ट टाइम हम बहुत अच्छा लगा, बहुत क्लीन एरिया है, पार्किंग भी सिस्टमेटिक है। देखिए सर्दी हो गया मुझे तो इग्नोर कीजिए मेरे को। We reach here at Kolorang at my sister's home. Didi kai?
इधर इधर दिखाओ तो नांकू मामू दोनों